अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशीष किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आशीष किचन में आज मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का एक स्नैक आपको बना रही हूँ, इजी और क्विक बनाना बता रही हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार इजी और क्विक, आप इसको शाम की चाय में ज़रूर बना के दे सकते हैं घर वालों को, आप लोगों को बहुत दाद मिलेगी। इसके लिए मैं बना रही हूँ आज मैं चीज़ी गार्लिक ब्रेड। इसके लिए मैंने मक्खन ले लिया है और ले लिया है चॉप्ड गार्लिक, मोज़रेला चीज़ ले लिया, आप इसकी जगह पर चेडर भी ले सकती हैं। मैंने पार्सले, आप लेना चाहे तो पार्सले ले सकते हैं, पार्सले बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैंने धनिया ले लिया, कोरिएंडर, उसको बारीक बारीक आपने काट लेना है। और सिंपल मैंने ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उनको मैंने काट लिए सेंटर से, ठीक है। इसके अलावा हम ले लेंगे ओरिगैनो, ओरिगैनो लीव्स, ये अगर आपके पास है तो आप ले लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ले लेंगे बटर, और ये बटर जो है वो बिल्कुल मेल्ट नहीं होना चाहिए, आपने इसको मतलब ऐसे कि आराम से ना ये स्प्रेड हो जाए। इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक, साथ में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और इसकी आपने अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है, जो बटर है आपका वो इतना होना चाहिए कि आराम से ना स्प्रेड हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको मिक्स कर लिया और ये देखें इस तरीके से ये स्प्रेड जो है मैंने रेडी कर लिया। इसमें नमक वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बटर में भी जो है ना थोड़ा सा नमक होता है, और हम चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी होता है। सबसे पहले एक ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे, इस तरह से मैंने सेंटर में से काट लिया और मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया मोज़रेला चीज़ को, वो हम रखेंगे इस तरीके से ब्रेड के ऊपर, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स की जो कितना लेना है कितना नहीं लेना मैंने आपको इस वजह से नहीं बताया, क्योंकि इसमें कोई खास नहीं है कि आप इतना ये लें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बटर ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप गार्लिक ले सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, इसमें कोई खास क्वांटिटी की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ रखी, ऊपर से मैंने स्प्रिंकल किया थोड़ा सा ओरिगैनो, और ऊपर एक मैंने ब्रेड का स्लाइस और रख दिया, और इस तरीके से मैं स्प्रेड जो है ना वो कर लूँगी, जो मैंने बटर का मिक्सचर तैयार किया है ना वो मैं इसके ऊपर ना स्प्रेड लगा लूँगी, ठीक है। इस इतना आपका मेल्टेड आपका बटर इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आराम से ना स्प्रेड हो जाए सारी ब्रेड के ऊपर। हम ऊपर भी इसी तरीके से करेंगे और नीचे भी हम इसी तरीके से करेंगे, दोनों साइड्स पे आपने जो है ना वो कर लेना है। यहाँ पर मैंने जो है वो तमाम ब्रेड के ऊपर जो है वो मक्खन को स्प्रेड कर दिया, और अंदर मैंने फिलिंग जो है वो चीज़ की कर ली है तमाम स्लाइसिस में, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इस तरीके से कर ली है, ठीक है। इसके लिए मैंने ग्रिल पैन ले लिया, ग्रिल पैन लेने की आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं, फ्राई पैन ले सकते हैं, फ्राई पैन नहीं है तो आप तवे पे भी ही इसको बना सकते हैं आराम से। अच्छा, फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम आपने रखनी है, ठीक है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही आपने इसको रेडी करना है। पहले हम एक साइड से करेंगे, देन हम दूसरी साइड से करेंगे, लेकिन फ्लेम का मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, तभी ये अच्छे बनेंगे और बहुत मज़े के बनते हैं, चाय के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं ये, और जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं। अच्छा, इसके लिए आप अगर इसको सिंपल बनाना चाहते हैं विदाउट चीज़ भी आपको आप इसको बना सकते हैं, सिंपल आप ब्रेड के स्लाइसेस लें, उनकी कटिंग करें, और इस तरीके से आप मक्खन का जो मैंने आपको स्प्रेड बनाना बताया वो आप इसको दोनों साइडों पर लगा कर इस तरीके से आप इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लेम जो है वो स्लो है, और स्लो फ्लेम पे ही ये क्रिस्पी बनेंगे, अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ठीक है। पहले हम एक साइड से करेंगे और उस तरीके से हम फिर दूसरी साइड से भी करेंगे। बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए, आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, चीज़ भी है इसमें, बटर भी है, गार्लिक भी है, और बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बच्चों को नाश्ते में भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इनको जिस तरह से स्कूल ओपन हो चुके हैं आप उनको लंच में भी दे सकते हैं, हेल्दी चीज़ है बच्चों के लिए। थोड़ा सा अंडे से हटके थोड़ा सा ये है कि चीज़ सैंडविचेज़ भी इसको आप बच्चों को कह सकते हैं कि ये चीज़ सैंडविचेज़ है, अगर गार्लिक उनको नहीं पसंद तो आप उसको स्किप कर दें, लेकिन गार्लिक भी बहुत अच्छा है। अब मैंने देखे साइड जो है मैं इसकी चेंज कर रही हूँ, और फ्लेम जो है वो मेरी स्टिल जो है वो स्लो है, बिल्कुल जो है मैंने हल्की आँच इसको रखी हुई है, और ये देखें कि ये कितना खूबसूरत रंग है।
जो आपने धनिया काटना है वो बिल्कुल बारीक आपने धनिया काटना है, बिल्कुल बारीक। अगर आपके पास फ्रेश पार्सले है आप अवेलेबल तो आप ले सकते हैं, वो आप इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ड्राइड पार्सले जो है ना वो आप इसमें यूज़ ना करें, आप इसमें कोरिएंडर ही यूज़ करें। ये देखिए मैं इसका साइड जो है वो चेंज करती जा रही हूँ और फ्लेम जो है वो मेरी स्टिल स्लो है। अच्छा ग्रिल पैन की ये नहीं मैंने, क्योंकि न्यू ग्रिल पैन लिया था तो बस शौक शौक में मैं इसको बना रही थी कि इसमें मैं इसको बनाती हूँ। आप इसको किसी भी फ्राई पैन में बना सकते हैं, आप इसको किसी भी तवे पे बना सकते हैं। इस तरीके से मैं दोनों साइड पे, अब दूसरी साइड से भी मैं स्लो फ्लेम पे ही इसको बनाऊंगी, ठीक है। स्लो फ्लेम पे रखने से ये होगा कि ये जो है क्रिस्पी बनेगा, अगर हम इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे या मीडियम पे बनाएंगे ना तो फिर ये क्रिस्पी नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने फ्लेम आगे से कैसी रखनी है। अब आप जब देखेंगे नीचे से भी जो है वो तमाम मेल्ट हो गया है बटर और अच्छा सा नीचे से भी कलर आ गया, तो फिर हम इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे, हाई तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ी सी बढ़ा देंगे, यानी कि मीडियम हम कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ये देखिए मैंने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर दी है, अब हाई भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा आपने जो है वो अच्छा सा कलर देना है। अभी हाई करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने कलर देना है, ठीक है। और जब इसका दोनों तरफ से आपका डिज़ायर कलर आ जाएगा तो फिर आप चूल्हे को बंद कर दें, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, डिज़ायर कलर आ गया, चूल्हे को हम बंद कर देंगे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने चूल्हे को बंद कर दिया, ये देखिए मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। और 5 सेकेंड्स, पूरे 5 सेकेंड आपने इसको इसी के ऊपर रखना है, ठीक है। 5 to 10 सेकेंड्स आपने इसको ग्रिल पैन या आपका जो पैन है उसके ऊपर ही रखना है आपने इसको, फ़ौरन से आपने इसको बाहर नहीं उतारना। और इस तरह रखने से ये होगा कि ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आप इसको विदाउट चीज़ भी बना रहे हैं तो आप इसको गार्लिक ब्रेड को यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप पिज़्ज़ा हट में जाके गार्लिक ब्रेड खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको आएगा। मैंने इसको 10 सेकेंड्स जो है वो इसको सिंपल बंद स्टोव पर रखा है उसी पैन के अंदर, अब मैं इसको जो है वो निकाल रही हूँ। तो इससे ये छोटे छोटे जो फ्लेम की का जो मैं आपको बता रही हूँ तरीका, कभी आहिस्ता कभी स्लो कभी हाई, इससे ये होगा कि आपका जो ब्रेड है ना वो हस्ता बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। अगर आप इसको किसी सूप के साथ भी जो है वो पेश कर रहे हैं तो तब भी ये है कि ये क्रिस्पी होगी, सौगी सौगी नहीं रहेगी, ठीक है। आप इसको ऑलमोस्ट 5 to 10 सेकेंड्स जो है वो आप रखेंगे इसको पैन के ऊपर ही फ्लेम ऑफ करने के बाद। और जी इसके बाद आपका मज़ेदार सी चीज़ी गार्लिक ब्रेड आपकी रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े का स्नैक है, टी टाइम स्नैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच में भी दें, ब्रेकफास्ट में भी दें। अभी मैं आपको जो है इसका बताती हूँ इसको तोड़ के भी कि ये अंदर से इसका कैसा इफ़ेक्ट है, और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है चीज़। ये देखिए आप इसको चीज़ के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।